मध्य प्रदेश के इंदौर में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। पिछले दिनों तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाया था। डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान की पुष्टि की गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और परिजनों के बयान लिए तो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तिलक नगर में एक अमृत शव की जानकारी मिली थी, जिसको PM के लिए भेजा गया था और PM के पश्चात इसमें जाहिरा चोटें आई थी और PM के पश्चात इसमें और भी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट का जिक्र हुआ था, जो देख के हत्या का मामला प्रतीत हुआ, जिसके पश्चात इसमें कायमी की गई। जब उसकी जांच पड़ताल की गई और जो मृतक थे उनके परिवार वाले और लोगों से पूछताछ की गई, तो उसमें मृतक के छोटे भाई के द्वारा ये घटना कारित किया जाना पता चला है जांच में। इसमें जब जो आरोपी हैं उनसे प्राथमिक जो पूछताछ हुई है, तो उसमें उसका कहना है कि इनका रात में विवाद हुआ था, जिसके पश्चात डंडे से इसने वार किया था। घटना के समय जो आरोपी है वो नशे में होना बता रहा है। हालांकि उसकी और पूछताछ और जाँच पड़ताल की जाएगी। जो इनका विवाद था दोनों भाइयों का, कहीं ना कहीं वो पहले से ही मनमुटाव रखते थे और बात बात में इनका नोकझोंक होता रहता था। और इस बात को लेकर जब रात में उसने विवाद बढ़ा तो डंडे से इसने काफ़ी वार किया था। जो मृतक हैं उनके हाथ में पहले से ही फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से और भी उनको इस घटना के दौरान तकलीफ हुई और गिर पड़े थे, उसके बावजूद भी इसने इसकी पिटाई जारी रखी थी। तो इसमें अभी कायमी की गई है, आरोपी को भी पकड़ा गया है और इनका PR लेकर और पूछताछ किया जाएगा। जांच में और भी जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।